एंड दार्जिलिंग पुलिस जो दार्जिलिंग के यूथ हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो पुलिस में रिक्रूटमेंट का एट डिफरेंट लेवल्स, यानी दो ही लेवल पे होता है, कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर लेवल पे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे दार्जिलिंग के जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं यहाँ के, वी विल फॉर देम स्टार्ट अ गाइडेंस सेशन फॉर देम। हमारा क्या प्लान है इसमें कि जो नए बच्चे जो रिक्रूट होके आए हैं कांस्टेबल की तरह, या नए जो सब इंस्पेक्टर रिक्रूट होके आए हैं, उन लोगों के माध्यम से यहाँ के लोग जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं जिनको पुलिस में एंट्री लेनी है, उनके लिए हम लोग छोटा सा गाइडेंस प्रोग्राम, कंटिन्यूस गाइडेंस प्रोग्राम करेंगे, जिसमें उनको एक्सप्लेन किया जाएगा कैसे भर्ती होती है, क्या क्या तैयारी करनी होती है, पढ़ाई के लिए क्या करना होता है, फिजिकल फिटनेस के लिए क्या करना पड़ता है। एंड छोटे पुलिस स्टेशन लेवल पे हम लोग छोटा छोटा एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स का एक ग्रुप बना के आपस में एक स्टडी फिजिकल फिटनेस पे लेके ध्यान देंगे, एंड वी विल ऑल्सो गाइड देम। एट द एंड जब वो सेलेक्ट होते हैं तो उनका मॉक इंटरव्यू होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, वी विल ऑल्सो कंडक्ट दैट। तो इससे क्या होगा कि उनको रियल टाइम एक्सपीरियंस होगा कि पुलिस के लोगों के साथ में पुलिस क्या पूछती है, कैसे बात होती है। तो यहाँ के लोग एक आशा करते हैं कि ऐसा हेल्प अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसके लिए हम लोग छोटा सा इस महीने के एंड तक में होपफुली एक सेमिनार करेंगे जिसमें जितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग आएंगे, एंड उसमें हम लोग नए नए रिक्रूटेड सब इंस्पेक्टर्स एंड कॉन्स्टेबल्स जो हैं उनका सेशन होगा, वो अपना स्टोरी सुनाएंगे, शेयर करेंगे कैसे तैयारी की उन लोगों ने। आई थिंक इन दैट केस इट वुड बी हेल्पफुल लोगों के लिए। इसके लिए हम लोग हमारे सोशल मीडिया जो पेज है दार्जिलिंग पुलिस का, उस पर हम लोग एक छोटा सा वेबसाइट हम लोगों ने बनाया है गूगल साइट्स पे, वहाँ पे बच्चे जा करके दो चार फील्ड है, बस वहाँ फिल करना है कि वो इंटरेस्टेड हैं, उनका थोड़ा नाम वाम, उनका मोबाइल नंबर वगैरह फिल करना है, सो दैट हम लोग को आइडिया मिल जाए कि कितने बच्चे आने वाले हैं हमारे पास इस तरह का हेल्प लेने के लिए। एंड उसके बाद हम लोग इस महीने के एंड तक में आशा करते हैं इस तरह के प्रोग्राम चालू करेंगे, ये पहला इनिशिएटिव होगा, उसके बाद हम लोग उसको कंटिन्यूस आगे बढ़ाते रहेंगे। तो कब से शुरू होगा सर ये? आज से मैंने, जैसे वेबसाइट हमारा रेडी हो जाएगा, एंड इस वेबसाइट को आप एक्सेस करने के लिए हमारा फेसबुक पेज जो दार्जिलिंग पुलिस का, वहाँ जाएंगे या आप लोग को भी हम दे देंगे लिंक, एंड उस लिंक पे जाके बच्चे 10 सेकंड का काम है, बस नाम नंबर डालना है अपना, सो दैट हम लोगों को इन्फॉर्म कर पाएंगे कि ये इवेंट कब होने वाला है। और ये हम लोग जो आशा कर रहे हैं इस महीने के लास्ट वीक में हम लोग ये इवेंट करेंगे या एंड तक में वेट कर देंगे। ट्रेनिंग वगैरह भी देंगे बच्चे को या फिर? यस, उसमें मैंने बताया आपको कि अभी तक का जो प्लान है हम लोग का, पुलिस स्टेशन लेवल पे जो बच्चे होंगे उनको छोटा छोटा ग्रुप बनेगा, एंड उनको ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पुलिस भर्ती या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स भर्ती में, तो उनको फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ लोकल जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल, रिटायर्ड पुलिस पर्सनल होंगे, उनको भी कोशिश प्लान है हम लोग का, उनको इन्वॉल्व करके फिजिकल फिटनेस सुबह सुबह एक टोली टाइप का बन के वो करते रहेंगे अपने एरिया में, उससे एक यूनिटी का भी एक फीलिंग आता है लोगों के मन में, तो वो तो एक होगा ही ट्रेनिंग के हिसाब से। नंबर टू, जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, कौन अप्रोप्रिएट बुक है, तो इसके लिए हम लोग, हमारे पास जो नए नए लड़के जो रिक्रूट हो रहे हैं उनसे गाइडेंस मिलेगा, एंड हम लोग कुछ कुछ ओपन सोर्स अवेलेबल जो सोर्सेज हैं, एंड बाकी और कुछ भी एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग कि और गाइडेंस को कैसे इंप्रूव किया जाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे करके गाइडेंस सबसे देते रहेंगे, और लास्टली जब बच्चे पास कर जाएंगे एग्जाम तो उसका इंटरव्यू भी होता है उनका, तो मॉक इंटरव्यू में हम लोग खुद बैठेंगे, हम लोग हेल्प करेंगे बच्चों को, ये प्लान है हम लोग का अभी के लिए। रिटर्न के लिए सर क्लास ही होगा बच्चे के लोग? रिटर्न के लिए अभी का मेरा प्लान, हम लोग का जो प्लान है कि गाइडेंस देना एटलीस्ट कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं ओपन सोर्स में, एंड दैट इज़ फ्री टोटली, तो ज़रूरी नहीं है कि, और अगर कहीं भी होगा तो सस्ते लेवल का हम लोग कुछ मटेरियल मिल जाता है, वी विल लुक इनटू इट कि कैसे उन मटेरियल को प्रोक्योर करके बच्चों को दिया जाए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी हम लोग आगे और फाइनलाइज करेंगे इस पर, बट इट विल बी ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, आज से लेकर के जब तक उनका एग्जाम होगा तब तक हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, उनको हेल्प करते रहेंगे, उनसे बात करते रहेंगे हम लोग। सेमिनार कितने दिन का होगा सर सेमिनार? सेमिनार अभी तो जो कर रहे हैं वो एक ही दिन का होगा, डिपेंड्स कि कितने बच्चे आते हैं, अगर ज़्यादा बच्चे आ गए तो हम हो सकता है दो दिन में करना पड़ेगा ब्रेक इस चीज़ को, लेकिन अभी एक ही दिन का हम प्लान किए हुए हैं, बट रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा कितने दिन का करेंगे। और उसके एक दिन में आशा करते हैं एक दो घंटे का सेमिनार होगा जिसमें सारे जो कांस्टेबल रिक्रूटेड हैं एंड नए जो एंड सब इंस्पेक्टर वो इंटरेक्ट करेंगे, उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ताकि उनका आइडिया रहेगा क्या पूछना होता है, कैसे पढ़ना होता है। तो सर एसआई के लिए कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए और ये सारी चीज़ें उस सेमिनार जो है ना उसमें स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि कब रिक्रूटमेंट होता है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है फॉर्म भरने के लिए, सब कुछ हम बताएंगे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना रहे कोई भी।